क्वेश्चन नंबर टू, देख क्वेश्चन नंबर टू में क्या है, कह रहे इफ जीरो इज लेस देन एक्स लेस देन पाई एंड द मैट्रिक्स टू साइन एक्स थ्री वन टू साइन एक्स इज सिंगुलर मैट्रिक्स फाइंड वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यू फाइंड करना है ना। तो देखिए जैसे सिंगुलर मैट्रिक्स कह रहे हैं जिसका मतलब डिटरमिनेंट ऑफ दिस स्क्वायर मैट्रिक्स इज जीरो, डिटरमिनेंट ऑफ दिस स्क्वायर मैट्रिक्स इज जीरो ना। तो लेट मैट्रिक्स बी ए, गिवन स्क्वायर मैट्रिक्स बी ए देन फॉर सिंगुलर मैट्रिक्स आंसर टू पार्ट वन। तो डिटरमिनेंट ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होगा, टू साइन एक्स ठीक है और थ्री वन टू साइन एक्स है ना ठीक है। तो देखिए जैसे फॉर सिंगुलर मैट्रिक्स होने की कंडीशन क्या होती है कि डिटरमिनेंट की वैल्यू जीरो जीरो होता है। ये चीज देखिए फॉर सिंगुलर मैट्रिक्स, फॉर सिंगुलर मैट्रिक्स, सिंगुलर मैट्रिक्स के लिए डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या होगा जीरो है ना। तो चलिए इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे और इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो टू इंटू टू साइन एक्स इंटू टू साइन एक्स फोर साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा, फिर वन माइनस वन इंटू थ्री इसकी वैल्यू क्या होगी जीरो है ना। यहाँ से फोर साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू थ्री हो जाएगा ठीक है, यहाँ से साइन स्क्वायर एक्स इक्वल हो जाएगा, यहाँ से साइन स्क्वायर एक्स होगा साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू थ्री बाई फोर ठीक है। तो साइन ऑफ एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा रूट थ्री बाई टू, रूट थ्री बाई टू ना ठीक है। तो साइन ऑफ एक्स कितना हो जाएगा, साइन ऑफ एक्स इक्वल टू साइन रूट थ्री बाई टू कितना है, रूट थ्री बाई टू क्या होती है रूट थ्री बाई टू की वैल्यू क्या होती है, किस किस एंगल के लिए साइन रूट थ्री बाई टू होता है, किसके लिए होता है, नाइन्टी के लिए साइन नाइन्टी रूट थ्री बाई टू होता है, साइन नाइन्टी वन होता है साइन सिक्सटी फाइव बाई थ्री होगा, फाइव बाई थ्री ठीक है। और दूसरा क्या होगा, दो एंगल जैसे जीरो पाई के बीच है इसके दो एंगल पॉसिबल है, एक साइन पाई बाई थ्री और एक साइन वन ट्वेंटी वन टू पाई बाई थ्री, दो एंगल होगा ठीक है। डी एक्स की दो वैल्यू हो जाएगी जीरो और पाई के बीच दो एंगल पॉसिबल है, पाई बाई थ्री और टू पाई बाई थ्री। अच्छा वैल्यू हमारी जो है केवल पॉजिटिव कोऑर्डिनेट में है इसलिए इसके नेगेटिव वैल्यू पॉसिबल नहीं है, नेगेटिव वैल्यू हम नहीं लेंगे केवल पॉजिटिव वैल्यू लेंगे। तो एक्स की दो वैल्यू हो जाएगी पाई बाई थ्री एंड टू पाई बाई थ्री, तो कैंसिल कर देंगे ठीक है, तो दो वैल्यू हो जाएगी। अब उसके बाद जो है इसका सेकेंड पार्ट है, क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट है। तो सेकेंड पार्ट के लिए देखें इसको रफ कर दे रहे हैं, फर्स्ट पार्ट रफ कर दे रहे हैं ठीक है। अब देखिए इसमें भी कह रहे हैं कि एक्स की वैल्यू है जीरो पाई के बीच रही है और गिवन स्क्वायर मैट्रिक्स इज सिंगुलर, गिवन स्क्वायर मैट्रिक्स इज सिंगुलर मैट्रिक्स है, जब सिंगुलर मैट्रिक्स है तो करस्पॉन्डिंग डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी जीरो हो जाएगी ना ठीक है। तो लेट तो फॉर सिंगुलर मैट्रिक्स या पार्ट टू का सेकेंड पार्ट, फॉर सिंगुलर मैट्रिक्स, सिंगुलर मैट्रिक्स, सिंगुलर मैट्रिक्स के लिए डिटरमिनेंट वैल्यू क्या होगा जीरो हो जाएगा, टेबल इसमें रख देते हैं। तो कॉस ऑफ एक्स वन और थ्री फोर कॉस एक्स इसको टू जीरो, अब इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए तो फोर कॉस स्क्वायर एक्स माइनस थ्री इक्वल टू जीरो ना, तो फोर कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू थ्री, तो कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू थ्री बाई फोर ना ठीक है। तो यहाँ से कॉस ऑफ एक्स कितना हो जाएगा प्लस माइनस रूट ऑफ थ्री बाई टू ठीक है,
अब चले हम किस एंगल के लिए कास्ट कर रहे हैं, रूट थ्री बाई टू होता है, किस एंगल के पास रूट थ्री बाई टू होता है बताइए। जैसे नेगेटिव वैल्यू के पास में ले हैं, पास में ले सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होगा तो सेकंड क्वाड्रेंट में भी वैल्यू लेंगे। तो देखिए पास आपको 30 की वैल्यू क्या होता है, रूट थ्री बाई टू डेट इज 5/6, एक एंगल ही हो जाएगा। दूसरा क्या हो जाएगा, माइनस के लिए क्या होगा, एक पास ऑफ एक्स इज इक्वल टू रूट थ्री बाई टू भी हो गया, पास ऑफ एक्स इज इक्वल टू रूट थ्री बाई टू भी हमने लिख दिया। अब पास ऑफ एक्स इज इक्वल टू माइनस रूट थ्री बाई टू भी लिखते हैं, तो पास हो जाएगा फाइव माइनस फाइव बाई सिक्स, तो फाइव फाइव बाई सिक्स हो जाएगा, फाइव फाइव माइनस फाइव बाई थ्री, फाइव माइनस फाइव बाई थ्री टू फाइव बाई थ्री है, यहाँ सी एक्स इसको क्या हो जाएगा टू फाइव बाई थ्री। सी एक्स की दो वैल्यू हो गए हमारे पास, एक तो फाइव बाई थ्री हो गए, दूसरा टू फाइव बाई थ्री हो गए, ठीक है। ये दो वैल्यू आपके सोल्यूशन हो जाएंगे। चलिए काफी ठीक है।